हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल पे के एप्लीकेशन से हम लोन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते हो तो आपको समझ में आएगा आप गूगल पे के एप्लीकेशन लोन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं गूगल पे से अगर हम लोन एप्लीकेशन में कोई भी लोन एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं तो जो गूगल पे में जो भी लोन एप्लीकेशन है वो बिल्कुल NBFC लोन एप्लीकेशन मिलेंगे, जहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिस यूज होने का खतरा बिल्कुल ना बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको NBFC लोन एप्लीकेशन ही मिलेंगे जिससे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसका मिस यूज नहीं हो पाएगा। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम गूगल पे से लोन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों, हम गूगल पे के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर गूगल पे की जो फीचर है यहाँ पे शो हो जाएंगे कि आपका जो स्कैन QR कोड पे कॉन्टेक्ट। सो दोस्तों, हमारे को यहाँ लोन एप्लीकेशन में अप्लाई करना लोन के लिए। सो दोस्तों, एक्सप्लोर यहाँ पे एप्लीकेशन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो दोस्तों, ट्रेडिंग का और जो आपके कैशबैक का यहाँ पे पूरा फास्ट है वो एलडी सैलरी, तो हमारे को लोन एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। सो दोस्तों, हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है फाइनेंस का, इस पर प्रेस करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन जो लोन एप्लीकेशन और इन्वेस्ट का जो एप्लीकेशन है यहाँ पे हमारे को शो हो जाएंगे। तो आप अगर ग्रो जो एप्लीकेशन उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के थ्रू, जो गूगल पे का एप्लीकेशन उसके थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गोल्ड लॉकर का यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाता है हमारे को, और 5 पैसा जो इन्वेस्ट एप्लीकेशन है उसका भी यहाँ पे शो हो जाता है। और अगर आप लोन एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे मनी टॉप क्रेडिट लाइन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसका मिसयूज नहीं होता है इसके अंदर। और अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उसमें अप्लाई करते हो और वो अगर NBFC नहीं है तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका मिसयूज होने का जो खतरा रहता है वो बिल्कुल 100% रहता है। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ भी कुछ मिसयूज हो सकता है। और अगर बात करें जो गूगल पे की, तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपको शो हो जाएंगे वो बिल्कुल NBFC है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है बिल्कुल ही मिसयूज नहीं होगा। तो अगर हम बात करें लोन एप्लीकेशन की, हम कौन से एप्लीकेशन में अप्लाई करें, मेरे पास यहाँ पे स्मार्ट कॉइन। सो दोस्तों, अगर हम स्मार्ट कॉइन में अप्लाई करते हैं तो वैसे तो एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, लेकिन वहाँ पे क्रेडिट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दोस्तों, अगर हम गूगल पे के अंदर आकर यहाँ पे इस स्मार्ट कॉइन में अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो इसमें चांस रहता है हमारे को, जो हमारी जो प्रोफाइल है या फिर हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो लो हो चुका है, लेकिन इसमें चांस रहता है हमारे को लोन मिलने का। तो अगर मेरी मानना है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो इस गूगल पे के थ्रू, और आपको क्रेडिट लिमिट हो सकती है यहाँ पे मिल जाए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो हो चुका है तो फिर भी मिलेगी यहाँ पे। और अगर एलडी सैलरी की बात करें तो इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मनी वी लोन्स में अप्लाई कर सकते हो, इंस्टेंट मनी इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और आप दूसरा अदर कोई लोन एप्लीकेशन में अप्लाई करना चाहते हो, पे मी इंडिया जो एक तरह का पे लेटर एप्लीकेशन है, इसमें यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और आपको क्रेडिट लिमिट यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हम लोन टैब की बात करें तो यहाँ पे आपको गेट क्रेडिट पे क्लिक करना है और प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल बनाने के बाद में आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, हमारे को यहाँ स्मार्ट कॉइन में अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई कर चुका हूँ पहले, तो मेरी प्रोफाइल है वो अंडर रिन्यू में चली गई है। और सो दोस्तों, अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो हम गेट क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको यहाँ पे लोन ओपन मिल जाएगा। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे पूरी डिटेल, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपकी जो प्रोफाइल है वो अंडर रिन्यू में चला जाएगी, चले जाने के बाद में आपका जो लोन ऑफर है वो अनलॉक हो जाएगा और आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर हम ओपन स्मार्ट कॉइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हो लोन ऑफर्स यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है हमारे को। और यहाँ पे अगर मैं पहले अप्लाई किया था तो यहाँ पे सीट बैक एंड रिलैक्स यहाँ पे बोल रहा है कि आप रिलैक्स करिए, हम आपकी जो प्रोफाइल है उसको एनालाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मेरा जो प्रोसेड हो चुका है, बैंक स्टेटमेंट चेक कर लिया है इन्होंने, लेकिन अभी हमारी जो प्रोफाइल है वो एनालाइज कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। मेरी प्रोफाइल यहाँ पे चेक हो जाती है तो यहाँ पे मेरे जो नीचे ऑप्शन शो हो रहा है लोन फॉर यू पे, हमारा जो ऑफर है वो ऑफर यहाँ पे शो हो जाएगा, हमारा जो लोन अप्रूवल होगा वो हमारे अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो गूगल पे का एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप लोन अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के बाद में आपका जो लोन, अगर आपको लोन ऑफर मिलता है का जो लोन है वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरा मानना है अगर आप गूगल पे के एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हो तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है बिल्कुल सेफ रहेंगे, कोई मिसयूज नहीं होगा आपका डॉक्यूमेंट्स के साथ। सो दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ही आप कोई भी लोन एप्लीकेशन में, जो इनके जो NBFC लोन एप्लीकेशन है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।